नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वन इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। आर अश्विन ने आईपीएल में पहली बार खुद को रिटायर करके आईपीएल में एक इतिहास रच दिया, जिसके बाद नियमों को लेकर तमाम सवाल उठने लगे। आज इस वीडियो में बातचीत करेंगे कि ऐसे कौन से 5 पल रहे जहां खिलाड़ियों ने नियमों का गलत या सही तरीके से उपयोग किया। आपको बता दें कि साल 1981 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड सीरीज कप के फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा था। उस समय न्यूजीलैंड को 6 रनों की आवश्यकता थी मैच को टाई करने के लिए, और उस वक्त गेंदबाज ट्रेवर शैपल ने अंडरआर्म बॉल फेंक करके कमाल कर दिया और कीवी टीम यह मैच हार गई थी। इसके अलावा बात करें तो 1970 से 1990 तक के एशेज सीरीज के दौरान वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों ने बाउंसर का बेहद उपयोग किया, जिसके बाद इसको लेकर नियम बदलना पड़ा था। वहीं बात करें ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज डेनिस मिली एक बार मैदान में एल्युमिनियम का बल्ला लेकर उतर गए थे, जिसके बाद विवाद भी काफी हुआ और नियमों में बदलाव करना पड़ा। वहीं एक बार बल्ले को लेकर ऐसा कुछ देखने को मिला कि बल्लेबाज ने कमाल ही कर दिया। मामला तब का है जब इंटरनेशनल मैचेस की शुरुआत नहीं हुई थी। मैच खेला जा रहा था क्रिस्टी और हैम्बल्टन के बीच में। दोनों टीमें आपस में मुकाबला खेल रही थी और क्रिस्टी के बल्लेबाज थॉमस वाइट एक बेहद चौड़ा बल्ला लेकर के मैदान में उतर गए। तब गेंदबाज उन्हें आउट कर पाने में संभव नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद काफ़ी विवाद हुआ और बल्ले के चौड़ाई लंबाई को लेकर के नियम बनाया गया। आप क्या कुछ सोचते हैं इस नियम को लेकर और इन वाक्याओं को लेकर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वन इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।